नमस्कार, मैं अभिरुचि अपनी माटी अपना गाँव में और मेरे तभी जुड़ा छे तमाम मेरा सगा संबंधी और जय धरती पर मैं अभी खड़ू छे वो ग्राम सभा तुनियारा का अंतर्गत होंगी और एक मैं देश विदेश बिटी उत्तराखंड का कोना कोना बिटी अलग और देश विदेश बिटी मेरा सगा संबंधी आया छे विशेष कार्यक्रम में। तो ये टाइम पर आया छे गढ़वाल को नियर नजदीक देखने का और जय पिछले एक मकान छे खंडर भवन छे पठाली वालू पठाल नुमा घर छ तो घर खंडर छू यूं कभी न कभी पलायनों को शिकार हुई हूँ। भले लोग उन देश विदेश में कोठी बने ली पर आज भी तय माटा दगड़ी तो प्यार छ जो अब ये इन तरफ खींच चले होना। आम भाषा में जो शहरों में फार्म हाउस के तौर पर लोग अपनी छुट्टी मनाता तो गाँव का उस दूर कुछ घर बनाया होना तो छेड़ा बोलता कि गढ़वाला का फार्म हाउस पर कुछ सुरक्षित थे और कुछ आज खंडर में तब्दील मार्च खाने लगे। पर बोलता ना कि सुबेरों को बोलियो श्याम घर हों भूलू नहीं बोलता। 20-25 साल बिटी लोग देश विदेश में रहने लगे लेकिन घूमी फिरी का अपनी पैतृक संपत्ति पर होता। ये बहुत ही बढ़िया उनका नेक विचार है क्योंकि धरती पर आप कह भी जगह कुछ भी करा पर कके ना कके अपनी पैतृक भूमि पर आप बनिया छे तो आपको संस्कार आपकी बोली भाषा आपका रिश्तेदार आपका नाता सब जिंदा थे। अच्छी बात क्या कि ये गर्मी का टेम्परेचर में जब 45 डिग्री दिल्ली वाल तड़पण लगे हाँ एक छेड़ा में एक ग्राम सभा तुनियार में एक पंखा की कोई जरूरत ही नहीं छे। तो आज भी अभी भी आप इन तरफ आ रहा था कहीं ना कहीं ठंडो का एहसास है कोई फ्रिज की जरूरत नहीं छे। नेचुरल सोर्सेस बिटी जो बन बिटी जो पानी होने लगी वो कहीं ना कहीं ठंडे का एहसास धर उड़ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा गढ़वाल की एक जुड़ी परंपरा छे। तो आप देखने से लगा नन्ना मुन्ना खेल लगा ये पता ही नहीं छे कि सुख साध क्या छे तुनियार क्या छे या छेड़ू क्या छे लेकिन आज होने लगी तमाम छोटा छोटा नन्ना मुन्ना युवते का बच्चा अपने में मस्त छे। स्वच्छ है कि आपके जो नॉर्मल डे टू डे के जो प्रॉब्लम्स होती हैं शहरों में वो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगी। और यहाँ पे जैसे कि बताया कि लाइफ यहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी एज काफ़ी ज़्यादा है और शहरों में एज का ड्यूरेशन काफ़ी कम होता जा रहा है। तो मैं तो अपने जो भी भाई बहन और भी हैं हमारे हम भी तो हम अपनी फैमिली यहाँ पे आ रखी है पूरी फैमिली ग्राम तुनियार के जो बाकी के भी उत्तराखंड के भाई लोग हैं उनको भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी जो मातृभूमि है उसको बचा कर रखें। गांव में एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जो हम पूरे गांव में घूमे जो मंदिर है वहाँ पे देखे भगवती वगैरह जो भी हैं वहाँ पे उनके मंदिर में हमने दर्शन करे। हम सारे मंदिर में गए नीचे गलेश्वर में भी गए नीचे भगवती और ऊपर भटकुना जो भी होते हैं मंदिर में गए। तो हमारा इस गांव में जो प्रक्रिया जो भी होता है वो हमारा बड़ा अच्छा गया है। ये तो बादम बनी ये भी लंबू है एक भैंस रन ये तो जट नहीं है दबा ये भी नहीं है ये वरन है ये घास रन है एक भैंस
कार वो मार को हां तब हम तक कभी दिन तो आया चार से क्योंकि धरती पर आप कह भी जगह कुछ भी करा पर कके ना ककड़े अपनी पैतृक भूमि पर आप बनया छे तो आपको संस्कार आपकी बोली भाषा आपका रिश्तेदार आपका नाता सब जिंदा थे।